एक खबर चूरू जिले से है, जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। चूरू के अगर तापमान की बात करें तो 45 डिग्री के आसपास तापमान चला गया है। इसमें मौसम बदलने के साथ लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें। अस्पतालों में खासतौर पर त्वचा, आंख, सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी और दस्त समस्याएं जैसी बीमारियों के मरीज बढ़ गए हैं। और तेज गर्मी में शरीर में पानी की कमी होने लगती है। डिहाइड्रेशन के चलते लोगों को परेशानियां होती। चूरू जिले के अंदर इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मौसम के बदलाव के साथ ही लगातार मौसमी बीमारियां भी क्षेत्र में बढ़ रही है। अस्पतालों के अंदर लगातार ओपीडी बढ़ रही है। मरीजों की लंबी लंबी लाइनें हैं अस्पतालों के बाहर आपको देखने को मिल सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल गफार खान साहब हैं। सर, मौसमी बीमारियों के साथ ही बीमारियों में लगातार बढ़ रही है मौसम बदलने के साथ ही, किस प्रकार के मरीज हैं वो इस समय अस्पतालों में आ रहे हैं? नमस्कार। गर्मी इस वक्त अपने पूरे सबाब पे है और खास तौर से जो राजस्थान की गर्मी है ये ड्राई गर्मी होती है, यानी कि तापमान बढ़ने के साथ साथ जो हवाएं चलती हैं बहुत सूखी चलती हैं। सूखी हवाओं से जो लू लगने का, हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा निर्जलीकरण, पानी की कमी हो जाती है और इस वक्त जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है कि पेशेंट में पानी की कमी हो गई या तेज़ बुखार और बेहोशी होनी, जी मतलाना, उल्टी भी आ जानी और दस्त भी लग जाते हैं उसमें। इसके दोनों ही कारण हैं। एक तापमान बढ़ने से जो लू लगने का खतरा होता है वो भी रहता है। दूसरा ये है कि इस मौसम में जो खाना है वो जल्दी ही प्रदूषित हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर कुछ खाना कुछ समय पहले का रखा हुआ है वो जल्दी ही खराब हो जाता है और इसलिए उसमें उल्टी, दस्त और लू लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। शुरुआती बचाव की बात करें तो किस प्रकार से बचा जा सकता है? इसके अलावा यदि आजकल चक्कर आने की भी बहुत सारी ऐसे उदाहरण है जो चक्कर आ जाते हैं युवाओं को, इस प्रकार से कैसे बचा सकता है और किस प्रकार से इसका उपचार किया जा सकता है? अगर इस मौसम में तेज बुखार हो रहा है, जी मतला रहा है, उल्टी और दस्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको गर्मी और फूड पॉइजनिंग से संक्रमित हुआ है। तो बेहतर तो यह होगा कि जहाँ तक हो सके बचाव ही किया जाए। बचाव में यह रहता है अगर हम कहीं बाहर निकल रहे हैं, इस तेज़ गर्मी के अंदर बाहर जाना ज़रूरी हो गया है तो हमें अपना खाली पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए, भरपेट भोजन करके या अच्छा भोजन करके ही निकलना चाहिए और साथ में लिक्विड जो है उसकी मात्रा भरपूर रखें। पानी है, जूस है, छाछ है, लस्सी है, इनका सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए एवं साथ में पानी का बोतल भी लेकर चलना चाहिए। एक जो हमारा बॉडी का एक्सपोज पार्ट है, खुला पार्ट है, सिर, नाक, मुंह, कान, ना ये खुले ऐसे होते हैं, तो इनको कपड़े से ढक के रखना चाहिए ताकि हवा का, लू का प्रकोप डायरेक्ट इस पार्ट को टच नहीं कर सके। तो चूरू के अंदर है वो इस समय गर्मी का कहर है वो देखा जा सकता है। तापमान की बात करें तो तापमान 45 डिग्री के करीब चल रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में गर्मी है वो चूरू में और सताएगी, तापमान है वो और बढ़ेगा। ऐसे भी चूरू के अंदर जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पारा है वो